आज हमारे साथ हैं देव अमित जी। एक पहल निशुल्क जो स्टार्ट की क्लास IAS RAS CET की, उसके फाउंडर हैं देव अमित जी। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ये सोच कहाँ से स्टार्ट हुई कि मतलब बच्चों को निशुल्क पढ़ाना है। आप खुद टीचर हैं, आप खुद एक क्लास ले सकते थे, अच्छी खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते थे, अच्छी एजुकेशन करके बच्चों को दे के और अच्छा पेमेंट और अच्छा मोटा जो कहते हैं पैसा कमा सकते थे, फिर निशुल्क कैसे? देखिए, सोच का क्या है कि शिक्षक के लिए एक बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी जिम्मेदारी भी है। जब मैं UPSC के बैच में पढ़ाता हूँ तो हम लोग पढ़ते हैं, एक NCERB की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें डाटा आता है कि भाई प्रतिदिन जो छात्र हैं उनकी आत्महत्याओं का आंकड़ा बहुत तेज़ बढ़ता जा रहा है। हर 43 मिनट में एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। उसके प्रत्यक्ष रूप में कारण कुछ भी हों, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे कारणों को जब खोजते हैं ना तो आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि जो पैसा कोचिंग सेंटर्स लेते हैं ना लाखों रुपया, तो कहीं कर्जे पे आता है या किसी का मकान गिरवी रखा हुआ है, जेवर गिरवी रखा हुआ है। और भर्तियां सरकार में उतनी निकलती हैं, मान लीजिए 600-700 पद निकले हैं और 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, तो ये सुनिश्चित है कि फेल होने वाली संख्या ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन कोचिंग संस्थाएँ बच्चों को ये बताती हैं कि तुम सब सफल होंगे, तो बच्चे को ये रहता है कि भाई मेरी सफलता सुनिश्चित है। और जब पता चलता है कि मैं फेल हो गया हूँ और उसके बाद उसे पता चलता है कि मेरी वजह से मेरे छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो गई, मेरा घर परिवार बर्बाद हो गया है, तो वो अंतिम निर्णय मौत को चुन लेता है। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कईयों के पिताजी किसान हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, इतना मतलब इनकम सोर्स नहीं है। और फिर जैसे बच्चे शहर में आते हैं, बड़े संस्थाओं में जाते हैं, इतना फंड देते हैं और बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हो पाते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ आए ना, उनमें से मैं 3-4 से मिला हूँ, आप लेट हो गए थोड़ा, नहीं मिलवा देता। कुछ बच्चे सोच रहे थे, उनके माँ बाप को उन्होंने IAS की तैयारी के लिए बोला तो बोले कि सर मेरे पिताजी किसी संस्था में 1 लाख रुपये फीस जमा कराने ही वाले थे, तो 1 तारीख को ये कक्षाएँ शुरू हुई, तो जब हमने यहाँ पढ़ के देखा तो हमें लगा कि यार 1 लाख तो हमारे बच गए, बहुत बढ़िया रहा। तो हर व्यक्ति को आज इन बच्चों को जब ये पैसे बच रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि IAS RAS और CET के अलावा IIT और NEET की कक्षाएं भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जल्द शुरू कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याओं पर भी कहीं ना कहीं ये विराम लग सकता है थोड़ा सा। और दिहाड़ी मजदूर जो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कैसे संसाधन जुटाते हैं, और जब वो परिवार देखता है कि मेरे बच्चा आखिरी उम्मीद जो ये नौकरी लग जाती बढ़िया होता, आपने कई बार रीट के पेपर में भी देखा होगा, तो इस तरीके फिर वो आत्मा को झकझोर दिया, तब सोचा कि मैं यार कोचिंग नहीं खोलेंगे, हम एक ऐसी व्यवस्था बना के देश को देंगे जहाँ 1 रुपया भी नहीं लगे पढ़ने के नाम पर, और चयन का भी कोई मापदंड नहीं हो, केवल एक ही शर्त हो कि भाई तुम पढ़ने को तैयार हैं तो हम सब पढ़ाने को तैयार हैं। और इस बात के लिए मैं राजस्थान सरकार जो है उसे धन्यवाद दूंगा, उसने मेरी भावनाओं को समझा और आज प्रदेश स्तर पर इस योजना को लागू किया और 22,000 सेंटर बने और गांव-गांव तक ये योजना जा रही है। अभी कितने बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कैसे धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान तक जाएगा? राजस्थान यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है, अव्यवस्थाओं से हम सब जूझ रहे हैं, विश्वविद्यालय भी जूझ रहा है। कारण क्या है कि विश्वविद्यालयों में लोग केवल डिग्रियां लेने ही आते थे, और आज पहली बार माहौल है जब 10,000 से अधिक बच्चों ने तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आवेदन किया। ये पहले चरण की स्थिति है, द्वितीय चरण के फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं, अब स्थिति और बेकाबू होगी। तो केवल यहाँ लगभग लेवल तक कब तक, कितने टाइम लगेगा इसको? 1 जुलाई से तो पूरे राजस्थान में सब जगह हम सर्कुलेट कर देंगे कक्षाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं लग रही हैं, तो ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हाल बेहाल, क्योंकि संख्या बिठाने की जो व्यवस्था है वो कम है और छात्रों की संख्या ज़्यादा, तो बच्चे खड़े खड़े पढ़ के जब जाते हैं फिर वो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सअप पे कि सर जंगले पे खड़े होकर के खिड़की पे हम कितने टाइम तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कीजिए ना। तो अभी प्रशासन से भी बात हुई है, तो हो सकता है जल्दी आज शाम तक कोई निर्णय आ जाए तो और कमरे खुल सकते हैं बच्चों के लिए। अभी कितने बच्चे यहाँ पे हैं और आने वाले टाइम में कितने बच्चे ऑल ओवर राजस्थान से, और कितने मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी? लगभग 453 कॉलेज हैं और 28 विश्वविद्यालय हैं और लगभग 22,000 करीब लगभग स्कूल्स हैं, जिनमें अभी पहले चरण में 5 लाख बच्चों को हम इसमें लाभान्वित करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कुल इस योजना का टारगेट है 40 लाख बच्चे इन तीनों इकाइयों में जो मौजूद हैं। जो पास आउट हैं उनको भी पढ़ने की परमिशन है, जो नॉन कॉलेज हैं उनको भी पढ़ने की परमिशन है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो एक भी एक व्यक्ति है ना, चाहे गार्ड से लेकर के कुलपति तक, छात्रों से लेकर छात्र नेताओं तक, उनके चेहरे आप देखोगे ना तो एकदम गुलाबी तरह खिले हुए हैं, क्योंकि पहली बार इतने पढ़ने वाले बच्चे इस विश्वविद्यालय में आज उन्होंने देखे। आपने छात्र नेता की बात की, छात्र नेता आपके जो साथ भी खड़े हैं, तो इनसे भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कैसे मतलब इस चीज़ को आप लोग फेस कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ को बढ़ाने में आप लोग देव अमित जी का साथ दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा माहौल देखा है
कि जब हजार हजार बच्चों की क्लास एक साथ छूट रही है और एक साथ वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति यह नज़ारा देख के खुश है, क्योंकि आज तक इतने बच्चे एक साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में आए नहीं। आए थे वो संगठक कॉलेजों में आते, वहीं से चले जाते, तो उनको मूलभूत शिक्षा का पता ही नहीं लग पाता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देव अमित जी को, जिनकी विचारधारा ने ऐसा काम कर दिखाया है और उनकी विचारधारा के साथ हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय के हर छात्र नेता हर छात्र इनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। देव अमित जी जैसे कि अभी राजस्थान में हैं, ये पूरे जैसे पूरे भारत में, जैसे आईएएस जैसे आरएएस तो जैसे राजस्थान में, लेकिन आईएएस जो बनते हैं वो पूरे भारत से बनते हैं, तो जो बाकी स्टेट के बच्चे हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या ऐसा है। गुड न्यूज़ यही है कि राजस्थान को हम स्टेट मॉडल बना ही रहे हैं और यहाँ माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने जितना हमें सपोर्ट किया है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की समस्याओं का चित्र जानते हैं समझते हैं, तो यहाँ बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये स्वीकृति हमें दी है और सबसे पहले कक्षाएं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये परमिशन जारी कर दी और सूचना कॉलेजों को मिल चुकी है, तो वहाँ भी कक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे ही इसी तर्ज पे जब तीन राज्य ये कम्प्लीट मैं कर लूँगा तो फिर हम भारत के जो उत्तर भारत के 8 राज्य हैं उनको हम कम्प्लीट करेंगे, जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन सब राज्यों में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये राजनीतिक नहीं है ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन राजीव गांधी जी जो थे, राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने इस देश को टेक्नोलॉजी दी थी। आज जो बच्चे और हमारे देश के युवा उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको इस एक पल इंडिया के माध्यम से मैं सदुपयोग करना सिखा रहा हूँ कि भाई इसका यूटिलाइज हम ऐसे करते तो शायद कितना जल्दी आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर कक्षाएँ हैं, मोबाइल पर भी कक्षाएं हैं, स्कूल में स्क्रीन पर भी कक्षाएं हैं, बड़ी स्क्रीन पर ऑफलाइन भी कक्षाएं हैं, तो लोग देख रहे हैं कि एक ही टेक्नोलॉजी का इतनी मल्टी मतलब यूजेज हो रहे हैं और कितना आराम से हो रहा है और पैसा भी बहुत कम लग रहा है। तो ये जब लोग मुझसे इंस्पायर होंगे तो, और मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों में भी लोग ऐसे देवमित बन के उभरेंगे, तो बहुत जल्दी पूरे देश में ये एक बार इंडिया पहुंच जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं राजस्थान में 40 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे, इस हिसाब से राजस्थान हो गया, यूपी बहुत बड़ा स्टेट्स है वहाँ करोड़ों तक जा सकती है, MP हो गया, तो इस हिसाब से करोड़ों बच्चों को आप लोग टारगेट करने वाले हैं, कितने टाइम में करने वाले हैं करोड़ों बच्चों को? देखिए सर, ये जो सेशन है अभी नया सत्र शुरू हो रहा है, जुलाई के महीने तक का टारगेट हमारा स्कूल लेवल तक इस एजुकेशन को पहुंचाना है। एडमिशन्स का दौर अभी चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि पूरे साल भर का टाइम लगेगा, साल भर बाद तो हम परिणाम पर बात करने लग जाएंगे कि भाई इतने बच्चों का परिणाम ये रहा। इस जो सेशन शुरू होगा जुलाई के महीने तक, जुलाई 31 जुलाई तक कोशिश हमारी है कि पूरा ये जो स्कूली शिक्षा विभाग है, कॉलेज एजुकेशन और विश्वविद्यालय, इन सब में ये कक्षाएं सुचारू हो जाएंगी और बच्चे सब के सब इसमें इनरोल हो जाएंगे। और इसमें कोई रोक भी नहीं है कि भाई जो बच्चे अगर किसी व्यावसायिक संस्था में पढ़ना चाहें, जिनके पास पैसे तो वहाँ जाएँ वो पढ़ें, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये भावनात्मक पहलू है एक पहल इंडिया, जहाँ फ्री पढ़ाने के साथ साथ फ्री किताबें भी दी जा रही हैं, उस बच्चे को पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ किया जा रहा है कि भाई तुझे कोई चिंता नहीं करनी, अगर तुम वास्तविकता में ही ऑफिसर बनना चाहते थे तो हमारे अंदर भी ये भावना है कि हम भी बनाना ही चाहते हैं। तो आज वो गुरु और शिष्य की जो परिपाटी है ना, जो लोग भूल गए हैं, क्योंकि जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है तो कोचिंग सेंटर्स ने बच्चों को मालाएँ पहना करके इसका ऐसा व्यवसायीकरण कर दिया है कि लगता है कि भाई सिलेक्शन तो फ्री में हो ही नहीं सकता, पैसे ही होंगे तो ही। तो फिर अब यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे खुद ही अपना सीख रहे हैं कि भाई गुरु जी का आदर करेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, ये बच्चे सब आदर करते हैं, बच्चों को व्यवस्था नहीं है बैठने की, खड़े खड़े भी पढ़ते हैं, ऐसा किसी संस्था में नहीं हो सकता। दूसरा एक और यहाँ से हम भ्रम तोड़ रहे हैं, वो आपने सवाल नहीं पूछा पर मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको और हाईलाइट करके दिखाना कि आज तक देश में जितने भी IAS ऑफिसर बने हैं तो मैक्सिमम बार मैंने देखा है कि वो दिल्ली जा कर के सेमिनार्स देते हैं, गाँव से निकल के और दिल्ली जाते हैं और फिर सेमिनार देते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, पता चला कि यहाँ पे जैसे कलेक्टर्स और ये सब निःशुल्क पढ़ाने की, इतने सीनियर IAS ऑफिसर्स वो दिल्ली में बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाने के बजाय हमारे जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं और विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल लेवल तक वो कक्षाएं लेने जाएंगे। 100 से अधिक IAS ऑफिसर्स इसमें कक्षाएं लेंगे, पहली बार वो अपनी ऑफिस से निकल करके कलेक्टर से और शिक्षक के रूप में भूमिका अदा करेंगे और सेमिनार्स बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं होंगे, इससे कि बच्चे प्रेरित नहीं होंगे दिल्ली जाने के लिए, वो बच्चे ये विश्वास करेंगे कि गाँव का जो सरकारी स्कूल है उसमें भी कलेक्टर की पढ़ाई होती है और कलेक्टर साहब पढ़ाने आते हैं, ये पहली बार होगा। तो आप लोग जो 22,000 आप मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे कि यहाँ से पूरे 22,000 इंस्टीट्यूट में, टेक्नोलॉजी का युग है आज, आप पूरे 22,000 स्कूल क्या, पूरे दुनिया के 217 देशों को मैनेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, तो स्कूल छोटी सी बात है, बस उसको यूटिलाइज करना अगर सही से आ गया तो
हमने जो सर्वर लिया है उस सर्वर के माध्यम से सब कुछ संभव है कि हम वहाँ के लोगों को मैनेज करके देख भी सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे पेपर लीक की समस्या से लोग जूझते हैं, तो ये भी एक मैं विकल्प दे रहा हूँ कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, जब बच्चे एग्जाम देंगे मोबाइल से तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो इस समस्या का भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा सॉल्यूशन तो सरकारों को मिलेगा कि भाई ऐसा भी वो कर सकती थी। और दूसरा ये है कि बच्चों की कक्षाओं के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम भी घर पर मिल रहा है इसी टेक्नोलॉजी से, तो बहुत कठिन नहीं है, वो सर्वर से संभव हो पा रहा है, आदमी नहीं, वो इंटेलिजेंसी काम कर रही है, AI। हमने जैसे आपके जो टीचर्स पढ़ाने उनसे भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हम लोग देव अमित जी से इतने इंस्पायर हुए कि हम लोग निःशुल्क पढ़ाने यहाँ तक आए, तो ऐसा क्या किया आपने जो वो लोग निःशुल्क पढ़ाने आ रहे हैं? देखिए, इस देश में जो राष्ट्रवाद है ना, देशभक्ति की जो भावना है, बहुत कम देखने को लोगों में मिलती है। और जब जिसके प्रति देश के प्रति जुनून जज्बा जाग जाता है तो वो मुझसे प्रभावित नहीं है। मैं तो अभी 31 साल का ही तो हुआ हूँ और मैंने ऐसा किया ही क्या है, मैंने तो अभी गलतियों का ही पुतला हूँ। और अभी तो आपको बस इतना अंतर है कि आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या गलतियाँ कर दी हैं। लेकिन इंस्पिरेशन हमें मिलती है भगत सिंह से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने बस उनकी तो बातें इनको बताई हैं कि यार गांधी जी अकेले थे देश में, भगत सिंह अकेला था, देव अमित अकेला है, तो तुम भी अकेले बन जाइए, मेरे साथ आ जाइए। बस इतना सा एक लाइन मैंने कही कि भाई गांधी जी अकेले थे, भगत सिंह अकेले थे देश में, मैं अकेला हूँ, तुम मेरा साथ दोगे तो हम ये कारवां बना देंगे। तो तैयार हो गए कि ठीक है। आप देख रहे हैं एक पहल इंडिया ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, जो निःशुल्क IAS, RAS और CET की, और जल्दी ही नीट की, IIT और नीट भी स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग, और जो करोड़ों बच्चों को लाभान्वित करेंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं लेने वाले, निःशुल्क करेंगे आपको।